हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक बड़ा मेमोरेंडम निकल के आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से, जीडीएस सेक्शन की तरफ से। ये लेटर आज ही की डेट में कुछ समय पहले ही जारी किया है। जीडीएस के जो लिमिटेड ट्रांसफर फैकल्टी आल कैटेगरी ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, उससे रिलेटेड है, बड़े बदलाव हुए हैं। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज ए जीडीएस वर्क कर रहे हैं तो। ठीक है, बहुत सारे आपके क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं तो पूरा विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तो देखिए कंडीशन ऑफ ट्रांसफर अब फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है। जो भी जीडीएस एज ए जीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ज्वाइन करता है तो उसके लिए पहले कितने चांसेस थे मेल जीडीएस के लिए और फीमेल जीडीएस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है फर्स्ट पॉइंट में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस मेल जीडीएस शैल बी 2 चांसेस एंड 3 चांसेस फॉर फीमेल जीडीएस। लेकिन इसके पहले क्या था, मेल जीडीएस के लिए 1 टाइम चांस था और जो फीमेल जीडीएस थे उनके लिए 2 टाइम चांस था। तो इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा, अब ट्रांसफर में आपको 2 चांसेस मिलेंगे। आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, फिर उसके बाद एक और बार आपको चांस रहेगा कहीं और जाने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा और भी मैं आपको इम्पोर्टेंट जो बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ है और आपको अभी ट्रांसफर में बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट में देखिए, ट्रांसफर रिकॉर्ड मे बी सबमिटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, हाउ एवर द जीडीएस शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट ऑन जीडीएस पोस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट। ठीक है, जो आपका सर्विस होना चाहिए जीडीएस में वो पहले था आपका 2 साल का। ठीक है, पहले 3 साल था, फिर अमेंडमेंट हुआ तो 2 साल हुआ। अभी इतना सरल कर दिया है कि केवल 1 साल का सर्विस कंप्लीट करने पर आप कहीं भी किसी भी सर्किल में अगर जीडीएस बन जाते हैं तो 1 साल के अंदर अपने एरिया में ट्रांसफर ले सकते हैं। ठीक है, अभी अभी ये ऑर्डर जारी किया है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक्शन लिया है सभी जीडीएस के लिए। ठीक है, अभी क्या है, 90-95% के स्टूडेंट जो है बिहार सर्किल राजस्थान सर्किल ठीक है पे पोस्टेड हो रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि इतने दूर जाकर इतनी कम सैलरी में इस जॉब को करना इतना कठिन हो रहा है। लेकिन आपको एक सुविधा दी गई है, आप 1 ईयर वहाँ पे सर्विस करिए और 1 ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है 1 ईयर आपका कैलकुलेशन किसी भी डेट में हो जाएगा जब भी आप उस जॉब को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन म्यूचुअल ट्रांसफर फैकल्टी में बताया है कि कोई भी जीडीएस अगर म्यूचुअल करवाता है तो उसके लिए 1 ईयर एंगेजमेंट पीरियड का कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जिनके पास पुट ऑफ ड्यूटी है, पुलिस केसेस चल रहे हैं, उनको इस ट्रांसफर सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और जो बड़ा बदलाव हुआ है, जो कि जैसे कि ये आपका बताया है कि किस लेवल से किस लेवल में जा सकते हैं, तो ये पहले के जैसा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है, एक बड़ा बदलाव हुआ है जो ट्रांसफर अथॉरिटी है दोस्तों। ठीक है, अप्रूवल कौन करता था, अभी जितने भी फॉर्म आते थे ट्रांसफर के लिए अंडर डिवीजन आता था, डिवीजन फिर फॉरवर्ड करता था रीजनल कार्यालय को। लेकिन अभी बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, अभी आपके ट्रांसफर में जो विद इन डिवीजन अगर रहेगा, अंडर डिवीजन रहेगा, तो डिविजनल हेड मतलब सुपरिटेंडेंट जो है इस ट्रांसफर को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, ट्रांसफर रिक्वेस्ट आउटसाइड डिवीजन बट विद इन द सेम रीजन रहेगा, मतलब कि डिवीजन से बाहर रहेगा लेकिन उस रीजन के अंदर रहेगा, क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत रहेगा। तो रीजनल हेड मतलब पोस्टमास्टर जनरल जो रहेंगे, पीएमजी बोलते हैं, तो वो जो है ट्रांसफर अथॉरिटी रहेंगे। ठीक है, आउटसाइड डिवीजन रीजन, आउटसाइड डिवीजन या आउटसाइड रीजन है बट विद इन द सर्किल है, सेम सर्किल है, तो उसके जो ट्रांसफर अथॉरिटी रहेगा सीपीएमजी रहेंगे। आउटसाइड सर्किल है, दोनों सर्किल के सीपीएमजी का जो टाइप होने पर ही आपका ट्रांसफर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक बड़ा बदलाव हुआ है कि आप ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी डेट फिक्स नहीं किया गया है,
पहले जो डेट फिक्स किया गया था 1 अप्रैल से 30 जून के बीच किया गया था, लेकिन अभी आप कभी भी ट्रांसफर फैसिलिटी का सुविधा जो है ले सकते हैं, जब भी आपके क्या है 1 साल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही आप ट्रांसफर का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है कितने दिन के अंदर एक्शन लिया जाएगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, देखिए लेवल ऑफ ट्रांसफर विद इन अ डिवीजन है तो 30 डेज के अंदर इस ट्रांसफर में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, देखिए विद इन रीजन है तो 15 दिन के अंदर, ठीक है, विद इन सर्किल है तो भी 15 दिन के अंदर, आउटसाइड सर्किल है तो भी 15 दिन के अंदर उसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, विद इन रीजन है तो हेड ऑफ डिवीजन जो है फॉरवर्ड करेंगे 15 दिन के अंदर किसको, रीजनल कार्यालय को। ठीक है, हेड ऑफ रीजन उसमें 15 दिन के अंदर कार्रवाई करेगा, तो जैसे ही ये जो लेवल है बढ़ता जाता है वैसे 15 डेज करके पूरे जो समय का पीरियड है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे कि विद इन सर्किल है मतलब सर्किल के अंदर ट्रांसफर ले रहे हैं तो पहले हेड ऑफ डिवीजन के पास जाएगा, वो 15 दिन के अंदर उसमें एक्शन लेंगे, फिर उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे HOC को, HOC जो है 15 दिन के अंदर लेगा, तो इस प्रकार का एक प्रोसीजर कर दिया गया। तो अभी जानकारी ये है कि आपको जो है ट्रांसफ़र में बहुत आसानी होने वाला है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने देखा कि जो GDS मध्य प्रदेश सर्किल का है और 12,000 की सैलरी में वो बिहार सर्किल से आया है, कई ऐसे कैंडिडेट आए हुए हैं, तो इस स्थिति में वो मध्य प्रदेश सर्किल में 12,000 की या 15,000 सैलरी में कैसे इस नौकरी को कर सकता है। इसीलिए उसने इतना बड़ा एक्शन लिया है कि कभी भी आप ट्रांसफ़र डालो विद इन 1 ईयर सर्विस में डालो और तुरंत जो है आपका ट्रांसफ़र जो है टाइम पीरियड के हिसाब से कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम पीरियड भी कुछ नहीं है कि आपको कब डालना, आप कभी भी डाल सकते हो, है ना, कभी भी डाल सकते हो, मतलब जब ही आपका एंगेजमेंट होता है 1 ईयर और उससे उस दिन से आपका 1 साल कंप्लीट हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं पूरा उसको क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा अपने सभी ग्रामीण डाक सेवा भाइयों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।